देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पेज 4 की तरफ चलेंगे, 4, 5, 6 सीखेंगे इसमें। ये पेज 4 है, देख लीजिए। और इसको कैसे बनाना है एबेकस पर, कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे आपको। चलिए जैसे दिया गया हुआ है 1, 3, -1, तो 1, 3, -1 इसको इस पर कैसे करेंगे। देखिए 1 करना है तो हम 1 रूट पर 1 कर लिए, फिर +3 करना है तो 3 बिट मेरे पास है +3 कर लिए, फिर -1 करना है -1 कर दिए। इस वैल्यू रूट में 3 बिट टच है तो हमारा आंसर 3 होगा, हमारा आंसर कितना होगा 3 होगा। इसी ढंग से अगर हम आए इस लास्ट प्रॉब्लम को देखें तो इसमें दिया गया हुआ है 1 है, 2 है, -3 है, +4 है, ये कैसे बनाएंगे। देखिए 1 है, +2 है, -3 है, +4 है, तो हमारा आंसर क्या है +4, तो हमारा आंसर होगा +4। ये इस ढंग से इस पेज को आप डायरेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर इन केस आता है तो आप हमको कमेंट में लिखेंगे तो हम उसको फिर से बताएंगे आपको। चलिए पेज नंबर 5 में चलते हैं। पेज नंबर 5 भी डायरेक्ट मेथड में ही आता है। इसमें आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। पहले दिया गया हुआ है 3, -2, +5, इसको एबेकस टूल पर करना है। देखिए क्या है, 3 है, 3 कर दिए, -2 है, -2 कर दिए, +5 है, +5 कर दिए, हमारा आंसर हमको बताने की जरूरत नहीं है 6 होगा। चलिए अब हम इसका लास्ट देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट आपको हम बता रहे हैं ताकि आप बना ले। लास्ट जो है इस पेज नंबर 5 का 7, -5, +2, -3, ये क्या होगा एबेकस पर। अब देखिए 7 है तो हम 7 ऐसे करेंगे, -5 है तो -5 हम ऐसे कर लेंगे, +2 है तो +2 को हम ऐसे कर लेंगे, -3 है -3 हम ऐसे कर लेंगे। इस वैल्यू में टच कितना है 1, तो मेरा आंसर 1 ही होगा। अगर आप जोड़े, आपको हम जोड़ के बताते हैं, शुरू में क्या लिखा है 7, -5, +2, फिर -3, कितना हुआ 1, आपका आंसर 1 है। तो ये एक यूनिक विजुलाइजेशन का, मैथमेटिक्स का चीज है एबेकस, इससे आप मेंटली कर सकते हैं कोई भी चीज बड़ी आसानी से। पहले हम प्रैक्टिस करवा दें, अब आगे चलते हैं।
पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में यहां पर देखेंगे, पेज नंबर 6 में प्रॉब्लम लिखा हुआ है। पेज नंबर 6 का प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए, प्रॉब्लम है 3, 5, -7। -7, पहले -5 करेंगे फिर -2 कर देंगे तो -7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या शो कर रहा है? 1, तो 1 आएगा। फिर हमें प्रॉब्लम देख, 11 प्रॉब्लम देख रहे हैं, 4, 5, -3, +2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैसे जोड़ घटाव तो हम करते हैं लेकिन हम एबेकस पर करेंगे। 4, 5, -3, +2, आंसर क्या शो कर रहा है? 8, और वो हम लिख देंगे। इस ढंग से आपको पेज नंबर 4, 5, 6 बन जाएगा। एक बार नजदीक से आपको दिखा दें, ये आपका पेज नंबर 6 है, देख लीजिए सही से पेज नंबर 6। चलिए 5 को भी हम दिखा दें आपको, पेज नंबर 5। चलिए अब आप पेज नंबर 4 देख लीजिए। और ये तीनों पेज जो है ना वो डायरेक्ट मेथड का है, इसको बनाएंगे फिर हम आपको पेज नंबर 7 से बताएंगे, और वो बिग फ्रेंड का होगा और बिग फ्रेंड थोड़ा बड़ा है, तो आपको हम 7 पेज से लेकर आगे बताएंगे जहाँ तक बिग फ्रेंड होगा।